पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है, अगर कोई गलती से इतने बड़े खामोश और विशाल समुद्र में फंस जाए तो आपीस ढूंढना ना के बराबर है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी कार्गो हमेशा इतने बड़े समुद्र में ट्रेवल करती रहती है। हमारे जरूरतमंद सामान को एक से दूसरे देश में ले आना या फिर यहाँ से दूसरे देश ले जाना। अब कार्गो शिप को यह डर होता है कि कहीं समुद्री लुटेरे पूरी शिप को हाईजैक ना कर ले। अक्सर देखा जाए तो समुद्री लुटेरे पूरी शिप को हाईजैक करके पहले अपनी लोकेशन पर ले जाने को कहते हैं, बाद में करोड़ों रुपए की डिमांड करते हैं। हाल ही में 4 जनवरी 2024 के दिन भारतीय तट से करीब 4 किलोमीटर दूर अरब सागर में एमवी लीला नॉरफोक नाम के एक कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया गया था। हाईजैकर्स इसे सोमालिया के करीब लेकर जाने को कहते हैं। इस शिप में 15 भारतीय समेत 21 क्रू मेंबर्स सवार थे। इसके बाद भारत सरकार ने 24 घंटे के अंदर हाईजैक शिप को रेस्क्यू कर लिया गया और उसमें सवार सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित के साथ। अक्सर शिप को सही सलामत लेकर जाने की पूरी जिम्मेदारी कैप्टन की होती है। अगर शिप के साथ जो भी होगा वह कैप्टन को देखना होगा। ऐसा भी नहीं है कि कैप्टन अपनी शिप को हाईजैक होने से बचाने की कोशिश भी नहीं करते। भारत में लगभग 90% चीजें समुद्र के जरिए ट्रांसफर की जाती है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी 90% माल समुद्र के जरिए एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि यह तरीका सबसे सस्ता और आसान माना जाता है। लेकिन यह तब आसान माना जाता जब तक जहाज समुद्र के किनारे हो। इसके बाद जब कार्गो शिप समुद्र के बीसों बीस होती है तब सबसे ज्यादा समुद्री लुटेरों का डर होता है। समुद्र में ना ही कोई पीछे सिक्योरिटी होती है और ना ही आगे। जो भी जहाज में माल भरा हो उसकी सुरक्षा जहाज के अंदर ही होती है और पूरी की पूरी जहाज को बचाने की जिम्मेदारी कैप्टन की ही होती है। देखा जाए तो समुद्र में शिप को हाईजैक करना मुश्किल है, लेकिन सोमालिया जैसे गरीब कंट्री के लोग जहाजों को हाईजैक करने में कई कामयाब रहे हैं और बाद में सरकार से करोड़ों रुपए की मांग करते हैं। आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में शिप को हाईजैक होने से पहले इस 5 तरीके का उपयोग किया जाता है और शिप को हाईजैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसमें नंबर 1 पर है वाटर कैनन। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जब कोई कार्गो शिप के नजदीक आने की कोशिश करता है तो शिप के ऊपर लगे नोजल को चालू किया जाता है। यह वाटर कैनन इतनी तेजी से पानी फेंकता है कि इसका प्रेशर गाड़ी में लगे टायर की हवा से भी गुना ज्यादा होता है। इतने प्रेशर से कैप्टन को शिप को नजदीक आने में बहुत मुश्किल होती है। नंबर 2, अगर फिर भी कोई कैप्टन कार्गो शिप के पास पहुंच जाता है तो शिप के ऊपर इस तरह के व्हील्स लगे हुए होते हैं। यह एक शिप के नजदीक आने से पहले ऑन किया जाता है और ये व्हील्स पानी के प्रेशर से बोट को डुबा भी सकता है। वाटर कैनन और व्हील्स आजकल के हर एक शिप में लगे हुए होते हैं, क्योंकि यह एक ऑटोमेटिक सिस्टम पर भी काम करता है। अगर कैप्टन बाकी काम में व्यस्त हो जाए तो इस सिस्टम को ऑटो पर रखा जाता है। नंबर 3, पी ट्रैप्स सिस्टम। अगर कार्गो शिप को हाईजैक करने में हजारों की तादाद में छोटी छोटी बोट लेकर आते हैं और चारों तरह से घेर लेते हैं, अगर वाटर कैनन और व्हील्स से भी बचकर कोई पास पहुंच भी गए तो शिप में पी ट्रैप्स स्टील तार को समुद्र में छोड़ दिया जाता है। यह एक शिप के दोनों साइड में हार्ड स्टील के फ्रेम्स होते हैं और यह आसानी से समुद्र में दिखाई नहीं देती है। जब कोई पायलट बोट को नजदीक लाने की कोशिश करता है तब यह स्टील के तार बोट के प्रोपेलर में फंस जाते हैं और बोट का इंजन जाम हो जाता है और ये लोग अपने आप को ही संभालने की कोशिश में लग जाते हैं और शिप के नजदीक आने से इनका टाइम वेस्ट हो जाता है। नंबर 4, लॉन्ग रेंज इकोसिस्टम डिवाइस। ये डिवाइस ऐसी आवाज जनरेट करता है जिसको सुनकर हर कोई दूर भागना चाहता है। इसकी आवाज इस तरह की होती है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर दूर तक पहुंचती है और यह आवाज कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नंबर 5, तमाम मेथड। अगर काम ना आए तब इलेक्ट्रिक फेंस शिप के दोनों साइड पर लगाया जाता है। हालांकि इसके इतना ज्यादा करंट वोल्टेज नहीं होता कि इंसान की मौत हो जाए, लेकिन इसके ऊपर हाथ लगाना इतना भी आसान नहीं है। जब कोई व्यक्ति इस तार को टच करेगा तो उनको जोरदार झटका लग सकता है। यह तरीका सिर्फ अटैक होते समय इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस करंट की वजह से शिप के ऊपर बैठे परिंदे भी बिना वजह मर सकते हैं। इस वजह से अटैक खत्म होते ही वापस फोल्ड किया जाता है।